क्वेश्चन नंबर 186। इन दिस क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन और जनरेशन से रिलेटेड हैं। तो पहला पार्ट है इसका, एट व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस पावर इज जनरेटेड एट द पावर जनरेटिंग स्टेशन एंड ऑल्सो मैंशन द रीजन फॉर यूजिंग सच पोटेंशियल। पहले इस पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पावर जनरेटिंग स्टेशन पे इलेक्ट्रिकल पावर को हमेशा 11000 वोल्ट यानी कि 11 kV पे प्रोड्यूस किया जाता है यानी जनरेट किया जाता है। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है, 11 kV या 11000 वोल्ट पर इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट किया जाता है। सेकंड पार्ट है, ऐसा क्यों, इसका रीज़न क्या है, और अगर हम ये 11 kV पे नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो व्हाट विल हैपन इफ द पावर जनरेशन प्लांट इज नॉट जनरेटिंग पावर एट 11 kV और वोल्टेज इज मेड हायर देन 11 kV और वोल्टेज इज मेड लोअर देन 11 kV। तो देखिए, पावर जनरेशन जैसा मैंने बोला 11 kV पे हो रहा है, अगर पावर का जनरेशन लेस वोल्टेज पे होगा, क्योंकि वोल्टेज लेस देन 11 kV होगा, तो इट कॉजेज इंसुलेशन डिफिकल्टीज एंड इंसुलेशन ऑफ द वायर की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और वायर मेल्ट कर सकता है। लेकिन अगर वोल्टेज को लोअर देन 11 kV पे हम जनरेट करेंगे तो इट इन्वॉल्व हाई करंट, क्योंकि एज वी नो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट होता है। तो अगर वोल्टेज कम हो गया तो ज़्यादा करंट आ जाएगी, इससे भी एनर्जी लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमेशा वोल्टेज को स्टैंडर्ड 11 kV रखा जाता है। हायर करने से इंसुलेशन डिफिकल्टीज हो सकती हैं, लेस देन 11 kV करने से करंट ज़्यादा हो सकती है। दूसरी बात, किस फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज को जनरेट किया जाता है एट पावर जनरेटिंग स्टेशन। तो वोल्टेज जनरेटेड इज ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में है, यानी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है ऑफ द फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज पर साइकिल। मींस इसकी फ्रीक्वेंसी 100 टाइम एक सेकंड में चेंज हो रही है, पॉजिटिव में 50 टाइम्स, नेगेटिव में 50 टाइम्स। एज वी नो इट कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। क्वेश्चन नंबर 187, इसके दो तीन पार्ट्स हैं यहाँ पर, और ये सारे पार्ट्स ट्रांसमिशन ऑफ पावर से रिलेटेड हैं। पहला पार्ट है, राइट डिफरेंट चेंजेस ऑफ वोल्टेज ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ पावर। अब देखिए, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ पावर वोल्टेज के वेरियस चेंजेस किए जाते हैं। तो किसी एक सर्टेन इलेक्ट्रिकल पावर को जो कि हमने 11 kV पे जनरेट किया, उसको हम आगे भेजेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम वोल्टेज को ट्रांसमिशन के समय और हायर कर दें। तो हम इस वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं 11 kV से 132 kV तक। रीज़न इसका सिंपल है कि इलेक्ट्रिकल पावर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज इनटू करंट। तो हायर वोल्टेज पे करंट की वैल्यू कम हो जाती है, और करंट की वैल्यू कम होने से हम लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू I²RT को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वोल्टेज को कम कर देंगे तो करंट ज़्यादा हो जाएगी, जिससे ड्यू टू I²RT एनर्जी लॉसेज बढ़ जाएंगे एंड हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएंगे। तो कंक्लूजन ये आया कि पावर इज ट्रांसमिटेड एट वेरी हाई वोल्टेज, और ये वोल्टेज का स्टेप अप होता है 11 kV से 132 kV, और इसके लिए हम जो जगह यूज़ करते हैं वो कहलाती है ग्रिड सब स्टेशन बाई यूजिंग द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरी बात आती है, व्हाट काइंड ऑफ पावर सप्लाई इज गिवन टू हैवी एंड लाइट इंडस्ट्री एंड व्हाट पोटेंशियल इज गिवन टू द कंज्यूमर लेवल। देखिए, अब ये जब पावर ट्रांसमिट होती है तो डिफरेंट लेवल्स पे इसमें वोल्टेज में चेंजेस किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन नेसेसिटी। तो पहला लेवल तो हमने पढ़ लिया कि आफ्टर द जनरेशन विच वॉज डन एट द 11 kV, पावर इज स्टेप्ड अप फ्रॉम 11 kV टू 132 kV। नाउ अब ये पावर ट्रांसमिट होने लगी एट ग्रिड सब स्टेशन, इसको 132 kV पे स्टेप अप कर लिया। उसके बाद इस पावर को ट्रांसमिट किया जाता है मेन सब स्टेशन पे, और जब ये मेन सब स्टेशन पे पहुंचती है तो इसको स्टेप डाउन किया जाता है 132 kV से 33 kV तक। ध्यान दीजिएगा, मेन सब स्टेशन पे वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है 132 kV से 33 kV तक यूजिंग द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और इस 33 kV का यूज़ हम हैवी इंडस्ट्री को पावर सप्लाई के लिए करते हैं। उसके बाद इस पावर को और ट्रांसमिट किया जाता है अप टू इंटरमीडिएट सब स्टेशन। इंटरमीडिएट सब स्टेशन पे वोल्टेज को अगेन स्टेप डाउन किया जाता है फ्रॉम 33 kV टू 11 kV।
11 केवी के लेवल पे हम लाइट इंडस्ट्रीज़ को पावर सप्लाई करते हैं और उसके बाद इस पावर को फिर से ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू द हाई टेंशन वायर टू द सिटी सब स्टेशन, और सिटी सब स्टेशन पे इसके वोल्टेज को फर्दर स्टेप डाउन किया जाता है 11 केवी से 220 वोल्ट तक। फाइनली हम आ गए कंज्यूमर लेवल पे 220 वोल्ट टू सप्लाई द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स।